मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे ये हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। पीएम मोदी की कुर्सी तो जाएगी जाएगी, लेकिन क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि वो कहावत तो कही जाती है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर जरूर डूबेंगे। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलवामा हमला जो हुआ उसके सबूतों से, वो तो उनका यही कहना है या इशारों इशारों में वो यही कह रहे हैं चुप्पी साध कर कि मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, मैं तो देश से बाहर गया था। तो दो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनसे बात कीजिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि उनका भी इस चुप्पी पर ये कहना है कि भैया फैसले तो गृह मंत्रालय की तरफ से लिए जाते हैं। और जो 3 एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, जो 3 एयरक्राफ्ट दिए जाने चाहिए थे जो कि ज़रूरी भी हैं, तो वो 3 एयरक्राफ्ट साइन गृह मंत्रालय ने नहीं किए। वहाँ से साइन नहीं हुए तो हमें जो है मजबूरन जो है सेना का जो जवान का काफिला था, और ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था, इतना बड़ा जो सेना के जवान का काफिला है वो कभी बाय रोड नहीं जाता है, लेकिन भेजा गया, एक रिस्क लिया गया, जबकि इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि एक बड़ा खतरा है पुलवामा में। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही, उसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क लिया गया। तो क्या अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फंसते हैं या गृह मंत्री अमित शाह फंसते हैं तो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि सरकार का ही ऊपर से आदेश नहीं था, यानी कि गृह मंत्रालय भी काम तभी करता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश देते हैं। तो क्या पीएम मोदी की ही लापरवाही से 2 बड़े मंत्री फंस रहे हैं? एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे ये जो पुलवामा हमला हुआ है उस पर कांग्रेस ने खुलासा तो किया लेकिन सवाल भी पूछा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो, और एक बार नहीं उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई, और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बनी है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है, वो जाहिर तौर पर ये बताती है कि शायद अगर पुलवामा हमले की जांच 2024 से पहले शुरू हो गई तो फिर समझ लीजिएगा कि मोदी सरकार 2024 से पहले ही कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आएगी। और विपक्ष ये कह रहा है कि ताश के पत्तों की तरह सरकार का ढहना तय, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने सच नहीं आना चाहिए? और सच अगर 2024 से पहले आना चाहिए जनता के सामने, तो क्या अब जनता को पता भी लग जाएगा कि 2019 का जो चुनाव जीता गया वो शहीदों के नाम पर जीता गया? आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।